दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहने वाले इस परिवार के लिए इनका नौकर ही काल बनकर आया। नौकर ने न सिर्फ घर के सबसे बुजुर्ग 90 साल के सदस्य की अपने साथियों के साथ गला घोंटकर जान ले ली, बल्कि घर के दो और सदस्यों यानी उनकी बहू और पोते पर भी जानलेवा हमला किया। मगर जब इन हमलों की वजह से शोर मचा और पोते ने नौकर और उसके साथियों को काबू करने की कोशिश की, तो गद्दार नौकर भाग निकला। फिलहाल ये सवाल एक राज बना हुआ है कि आखिर नौकर ने अपने ही मालिक के साथ ऐसा किया क्यों? क्या वो इस परिवार से किसी बात को लेकर नाराज था, या फिर उसका इरादा लोगों की जान लेकर घर में लूटपाट करने का था? दिल्ली में गद्दार नौकर की खौफनाक करतूत। 90 साल के बुजुर्ग की ली गला घोंट कर जान। घर की बहू और पोते पर भी जानलेवा हमला। नौकर के हमले की वजह पर रहस्य बरकरार। बदरपुर के मोलरबंद में रहने वाले गर्ग परिवार में हुकुम सिंह नाम का यह नौकर महीने भर पहले ही काम पर लगा था। बुधवार की सुबह जब घर की बहू बच्चे को स्कूल छोड़ने गई, तो लौटने पर उसे गेट की कुंडी अंदर से बंद मिली। बहू ने जब नौकर को आवाज लगाई तो वो देर से आया और उसने कुंडी खोलकर बहू को अंदर बुला लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, नौकर ने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करने लगे। वो इससे पहले ही उसके ससुर यानी 90 साल के चंद्रभान गर्ग की जान ले चुके थे। लेकिन जब घर में मौजूद चंद्रभान के पोते को नीचे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, तो वो सीढ़ियों से उतरा और आगे का मंजर देखकर घबरा गया। नौकर हुकुम अपने साथियों के साथ मिलकर उसके दादा की जान ले चुका था, जबकि उसकी माँ की जान लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पोते ने नौकर का मुकाबला किया और इस विरोध की वजह से नौकर और उसके साथी वहां से भाग निकले। इस वक्त मैं दिल्ली के बदरपुर इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर हत्या हो गई है। एक ओल्ड एज है जिनका नाम चंद्रभान है, उनकी हत्या कर दी गई है। आरोप लगाए नौकर पर, हुकुम पर और उसके साथियों पर। ये वो घर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी घर में पूरी वारदात हुई है। दरअसल सुबह इस वारदात का पता लगा, उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। दरअसल इस पूरे वाक्य में जो चंद्रभान की पत्नी है उनको भी, उन पर भी कातिलाना हमला किया गया है। हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन यही वो घर है जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कि कितने बजे के आसपास आंटी वारदात हुई? 7:30-8 बजे की बात। ये स्कूल छोड़ने गए थे बच्चे को, तो वो वहाँ से आए हैं तो जब ही हुआ है काम, तो उन पर भी अटैक हुआ है, हमारी भाभी पे भी। गेट नौकर ने कुंडी लगा रखी थी अंदर से, तो उसने कुंडी खोली। हमारी भाभी ने पूछा कुंडी क्यों नहीं लगाई, कुंडी क्यों लगाई आपने अंदर से? उन्होंने बोला आप अंदर आ जाओ, तो उन्होंने कुंडी खोली, वो अंदर गए, उन पर भी अटैक हुआ है। तीन लड़के थे, वो तीनों ने अटैक करा, उनको गर्दन पर अटैक करा। पुलिस के मुताबिक इस परिवार ने नौकर को करीब महीने भर पहले ही काम पर रखा था, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों, ये अब भी एक राज बना है। दरअसल शुरुआती तौर पर पुलिस का कहना है कि घर में लूटपाट का कोई साइन नहीं मिला है, तो आखिर हुकुम ने बुजुर्ग की हत्या क्यों कर दी, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं। कुल तीन आरोपी है इसमें, जो अभी तक की जांच में बात सामने आई है, और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि ये साफ हो सके कि दरअसल उसने हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। आप ये देखिए, यही वो घर है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था। सुबह के वक्त पूरा वाकया हुआ। इसमें जो सरोज हैं, जो चंद्रभान की बहू हैं, उनको भी, उन पर भी अटैक किया गया, वो भी हॉस्पिटलाइज हैं। यानी एक की हत्या कर दी, एक को जान से मारने की कोशिश की गई। ये तमाम वारदात जो हुई है, इससे जाहिर तौर पर इलाके में दहशत है, और इस मामले में पुलिस के लिए चुनौती है इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना।